कहानी आई तो आज हम सुनेंगे एक बुद्धिमान बंदर की कहानी। तो जम के टिका के तकियों पर अपने हाथ बैठ जाओ। एक जंगल की बात सुनाऊं, था उस पर बंदरों का राज। दिन भर उछल कूद वो करते पर नहीं करते थे वो किसी को भी परेशान। राजा था वो जो उनका बंदर, बड़ा ही समझदार। करता था वो सबकी रखवाली और नहीं होती थी किसी को भी परेशानी। जंगल में थी खुशहाली। एक दिन पता है क्या हुआ, मिला बंदरों को फलदार पेड़। लगे थे जिसमें रसीले फल, पेड़ था वो आम का। आम का नाम सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, मेरे मुंह में भी आ रहा है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बंदर राजा था बड़ा ही समझदार। दे दिया उसने आदेश, ना जाए एक भी आम। गए आम जो उस पार, आ सकती है हम पे मुश्किल भर मार। उस ओर रहते हैं मानव, नहीं देख सकते हमको खुशहाल। सभी बंदरों ने बात मानी और करने लगे आमों की रखवाली। पर एक दिन ये क्या हुआ, जिसका डर था वही हुआ। गिर गया एक आम नदी में और जा पहुंचा वो उस पार। एक धोबी जो कर रहा था अपना काम, जब मिला उसे वो रसीला आम। खाने का उसको दिल ललचाया, पर फिर राजा का ध्यान आया। लेकर वो रसीला आम पहुंच गया धोबी राजा के पास। धोबी ने राजा को वो आम दिखाया और फिर राजा से इनाम पाया। आम था वो बड़ा ही रसीला, राजा का दिल ललचाया। लेकर अपनी सेना राजा निकल पड़ा नदी के उस ओर ढूंढने आम के पेड़ को। दूसरी ओर के बंदर सारे वो भी थे बड़े ही समझदार। देखा खतरे को आते अपनी ओर, भेज दी सूचना राजा बंदर की ओर। राजा बंदर ने एक तरकीब अपनाई, नदी के दोनों ओर एक रस्सी लटकाई और राजा बंदर ने अपनी सारी प्रजा नदी के दूसरी ओर पहुंचाई। पर ये क्या, भाग्य को तो था कुछ और ही मंजूर। अब बंदर राजा मछधार में ही फंस गया और जैसे ही रस्सी टूटी वह नदी में गिर गया छपाक। सभी बंदर लगे चिल्लाने, बचाओ बचाओ राजा को हमारे। सभी बंदरों का सुन शोर, राजा को दया आई और नदी के बीचों बीच बंदर की जान बचाई। राजा ने बंदर राजा की करीब बढ़ाई, बोला तुम हो समझदार सच में भाई। तुमने अपनी समझदारी से अपनी प्रजा की जान बचाई। राजा ने कहा अगर तुम चाहो तो चल सकते हो हमारे साथ। बंदर राजा ने बोला मुझ पर मेरी प्रजा का है भार, नहीं छोड़ सकता मैं उन्हें मझदार। अब हो गई है दोस्ती अपनी तो नहीं जाने दूंगा खाली हाथ। बंदर राजा ने राजा को रसीले आमों का दिया उपहार और राजा ने भी अपना निर्णय सुनाया। बोला अब से कोई भी नहीं आएगा इस जंगल में नदी के इस पार। तो देखा आप सबने कि कैसे बंदर राजा ने अपनी समझदारी से अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को टाल दिया। धन्यवाद।